पिताश्री, आप शीघ्र आ जाइए पिताश्री। रम, तुम्हारा पुत्र अमर हो ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो ये वरदान दे सकता हूँ। प्रभु, पर अत्यंत शक्तिशाली पुत्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। उचित है, यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। हाँ प्रभु, ये वरदान दे दीजिए मुझे, ये सर्वथा उचित है प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा, यदि वो प्रयास करेगा तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा, तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा। ये कैसा वरदान दिया है महादेव? नारायण नारायण, ऐसा वरदान दे दिया असुर रंभ को? मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ मैं आपको सूचना देने चलाया। दुष्ट असुर तो पुनः वरदान प्राप्त कर और भी बलशाली होते जा रहे हैं, किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं, वरदान तो दिया जा चुका है। किंतु देवऋषि, तुमने वरदान तो रंभ के पुत्र के लिए दिया है ना, वो पुत्र जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है। इसके पूर्व के रंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बीतती जा रही हैं, अभी तक पिताश्री नहीं आए। एक बार पुनः आपने अपनी उमा को निराश व दुखी कर दिया महादेव। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके भक्त और संसार के लिए आपके कर्तव्य, जो सदा ही आपके लिए सर्वोपरि रहा है और रहेगा। माँ आ जाइए, माँ अब तो आ जाइए, माँ अब तो आ जाइए, अब तो सुन लीजिए मेरी पुकार माँ। माँ अब तो मेरा तप पूर्ण करिए माँ, मेरी पुत्री के रूप में अपने सानिध्य से मुझे कृतार्थ करें माँ, मेरी इच्छा पूर्ण करें माँ, अब तो आ जाइए माँ, मेरा तप पूर्ण करिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। महादेव अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ऋषि कात्यायन को वरदान दूंगी। एक पुत्र चाहिए मुझे, एक पुत्र जो अमर होगा। राम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आया, किंतु मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, और जो चाहो मांग लो। प्रभु, भक्त अपने प्रभु की भक्ति कर सकता है तो क्या उनसे हट नहीं कर सकता? भक्ति से मैंने अगर आपको विवश किया है तो अपने हट से भी आपको विवश करूंगा। वरदान तो मैं वही प्राप्त करूंगा प्रभु। तुम्हारी मां को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। मुझे वरदान वही चाहिए, मुझे एक अमर पुत्र चाहिए प्रभु। रम, सृष्टि के इस नियम को तो मैं भी नहीं तोड़ सकता, तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और कुछ भी प्रभु? हाँ कुछ भी। पिताश्री, अब सोच विचार का समय नहीं है, अति शीघ्र माँ के निकट पहुंचना ही होगा हमें। बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, इतने कठोर तप के बाद एक ही वरदान पाने का अवसर मिला है,
सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। समय तो नहीं है मेरे पास रंभ, उमा मुझे क्षमा करना, मैं अतिशीघ्र तुम्हारे पास पहुंचूंगा। पुत्र गणेश, मेरे ना पहुंचने से यदि तुम्हारी माता क्रोधित हो तो उन्हें संभाल लेना। महादेव अभी तक नहीं आए, मुझे तो माता की चिंता हो रही है। हम लोग तो तल सकते हैं त्या, बताइए ना। हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं तोतला जी, आप सभी गणों को यहाँ फैलने के लिए कह दीजिए, जिससे उनकी दृष्टि यहाँ के मार्ग पर और दूसरों पर भी रहे, और जैसे ही पिताश्री आते हुए दिखाई दे तत्काल उसकी सूचना माँ तक पहुँचा दे। नंदी और तोतला को सुमुख निर्देशा, सब मिलके करे देखो भोले की प्रतीक्षा। विचलित है माँ देख पुष्प मुरझाते, लौटो हे शिव शंकर गजानन ये ध्याते। पिताश्री आप शीघ्र आ जाइए। पिताश्री रम, तुम्हारा पुत्र अमर हो, ये वरदान तुम्हें तुम्हें नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो, ये वरदान दे सकता हूँ। प्रभु, पर अत्यंत शक्तिशाली पुत्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। उचित है, यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। हाँ प्रभु, ये वरदान दे दीजिए मुझे, ये सर्वथा उचित है प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा, यदि वो प्रयास करेगा तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा, तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा। ये कैसा वरदान दिया है महादेव? नारायण नारायण, ऐसा वरदान दे दिया असुर रंभ को? मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ मैं आपको सूचना देने चलाया। दुष्ट असुर तो पुनः वरदान प्राप्त कर और भी बलशाली होते जा रहे हैं, किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं, वरदान तो दिया जा चुका है। किंतु देवऋषि, तुमने वरदान तो रंभ के पुत्र के लिए दिया है ना, वो पुत्र जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है, इसके पूर्व के रंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बीतती जा रही हैं, अभी तक पिताश्री नहीं आए। एक बार पुनः आपने अपनी उमा को निराश व दुखी कर दिया महादेव, आपने सिद्ध कर दिया कि मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके भक्त और संसार के लिए आपके कर्तव्य, जो सदा ही आपके लिए सर्वोपरि रहा है और रहेगा। माँ आ जाइए, माँ अब तो आ जाइए, माँ अब तो आ जाइए, अब तो सुन लीजिए मेरी पुकार माँ, माँ अब तो मेरा तप पूर्ण करिए माँ, मेरी पुत्री के रूप में अपने सानिध्य से
मुझे कृतार्थ करें माँ, मेरी इच्छा पूर्ण करें माँ, अब तो आ जाइए माँ, मेरा तप पूर्ण करिए माँ, संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। महादेव अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ऋषि कात्यायन को वरदान दूंगी। इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा। पुष्प मुरझा चुका है, माँ निराश और कुपित है, ज्ञात नहीं अब क्या करेंगी वो। माता, माता प्रभु आ गए हैं, महादेव आ गए हैं। हल हल महादेव, प्रभु आ गए, हल हल महादेव। पुत्र उमा, कहाँ है तुम्हारी माँ? उमा, 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 पार्वती, उमा, 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 मुझे ज्ञात है तुम मुझसे क्रोधित हो, किंतु तुम मुझे क्षमा कर सकती हो उमा। पुत्र, कहाँ है तुम्हारी माँ? वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। आपके आने में बहुत विलंब हो गया पिताश्री। बहुत देर हो गई, अर्थात आप ही के समान माता भी अपने भक्त के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए चली गई पिताश्री। चली गई? कहाँ चली गई? माँ आप धीरज रखिए, पिताश्री आते ही होंगे। पुत्र, मैं जहाँ रहूंगी तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगे और मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। पुत्र, माँ आपके ये शब्द मेरी चिंता बढ़ा रहे हैं। पुत्र, तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। अब तक मैं महादेव की पत्नी, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकेय की माता बनकर यहां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं भूल गई थी कि वो देवों के देव हैं और उनके लिए उनके कर्तव्य सदैव मुझसे ऊपर हैं। किंतु आज तो ये पुनः प्रमाणित हो गया पुत्र। कदाचित महादेव ये भूल रहे हैं कि वो महेश्वर हैं तो मैं भी महेश्वरी हूँ, वो जगत पिता हैं तो मैं भी जगत जननी हूँ। अब मेरे लिए भी अपने भक्तों को अपने अन्य संबंधों से ऊपर रखने का समय आ गया। माँ मैं विनती करता हूँ, इतनी शीघ्रता में इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। शीघ्रता नहीं पुत्र, बहुत देर की है मैंने और अब मेरे संयम का बाण टूट चुका है। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलूं। माँ ऐसा मत कीजिए, माँ मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। माँ कृपया रुक जाइए, माँ रुक जाइए, कृपया माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए, नहीं रुक जाइए माँ।
गणेश, अब मुझे अपने भक्त की भक्ति का मान रखना होगा। ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर उनके निकट जाना होगा। माँ, रुक जाइए माँ, मत जाइए माँ, पिताश्री आते। क्यों नहीं आए पिताश्री? माँ ने बहुत समय तक आपकी प्रतीक्षा की थी, किंतु अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है। वो जहाँ भी चली गई है पुत्र, उसे वापस ले आएंगे। मुझे देखकर मेरे समझाने पर उसका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा, फिर मेरी उमा मेरे साथ अवश्य चली आएगी। चलो पुत्र। पिताश्री, वो जहाँ गई है उनका वहाँ से एक लंबे समय तक लौटना संभव नहीं है। शक्ति स्वरूपिणी है तुम्हारी माँ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिताश्री, माँ छोटी बालिका बन पुत्री रूप में ऋषि कात्यायन के पास चली गई है। अब पुनः मेरी माँ का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। गणेश को छोड़ के जाना होगा। तुम्हारी माँ को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। पिताश्री, इस बार तो ये माता की भूल नहीं है ना? कहाँ हो तुम? संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। पुत्री रूप में मुझे अपना सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए माँ। माँ, अब तो दर्शन दीजिए। पिताश्री। हाँ? क्या हुआ पिताश्री, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप आ गई। माँ, एक बालिका का रूप लेकर आप मेरे पास आई है। माँ, मैं धन्य हो गया। देखिए पिताश्री, मैं आ गई। पुत्री रूप में मैं आपको पाकर धन्य हो गया माँ। मैं ही नहीं, संसार का वो हर पिता धन्य है जिसे संतान के रूप में आपका सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि सत्य तो यही है कि संसार की हर कन्या में आप ही का तो अंश है, आप ही का तो रूप है ना माँ? माँ। अरे पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी पुत्री हूँ, फिर आप मुझे माँ कहकर क्यों पुकार रहे हैं?
पिताश्री, आपके मुख से ये स्वर सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मेरे लिए तो ये अमृत समान है। पिताश्री, हाँ, इस रूप में तो आप मेरी पुत्री ही हैं। किंतु कात्यायनी के नाम से जाने गए संसार आपको कात्यायन पुत्री, कात्यायनी, कात्यायनी, कात्यायनी। और माता पार्वती का विलग होना सृष्टि के लिए शुभ सूचक नहीं होगा? हेकन, मुझे चिंताएं पुनः चकड़ रही है। एक और महादेव माता पार्वती के वियोग से अत्यंत दुखी है, तो दूसरी ओर उनसे वरदान प्राप्त कर उस दुष्ट असुर रंभ के पुत्र का जन्म हो चुका है। महिषासुर, 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 महिषासुर। चाहिए पिताश्री। पुत्र, आपने मेरी क्रीड़ा देखी पिताश्री? देखी, देखी, देखी। और आने वाले भविष्य में तुम तुम्हारी शक्ति से जो क्रीड़ाएं करोगे उसका भी आनंद लूंगा मैं। सावधान त्रिलोक, सावधान त्रिलोक, सावधान देवताओं, सावधान देवताओं, सावधान देवताओं। ये पुत्र शीघ्र हमारे लिए एक महान संकट का रूप ले लेगा। महादेव को इस अवस्था से बाहर आना ही होगा, नहीं तो कौन रक्षा करेगा स्वर्ग की, कौन बचाएगा सृष्टि को? वरदान एवं शक्ति लोक कल्याण एवं स्वयं की रक्षा के लिए होते हैं, ना कि दूसरों का अहित करने के लिए।